झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जानी तय, राज्यपाल आज जारी कर सकते हैं सस्पेंशन ऑर्डर। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में फंसे हेमंत सोरेन, चुनाव आयोग ने बंद लिफाफे में राज्यपाल को भेजी है सिफारिश। विधायकी गई तो झारखंड में लग सकता है राष्ट्रपति शासन, वैकल्पिक उपाय तलाश रहे हैं सोरेन। शुक्रवार रात हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों संघ की बैठक, सभी ने जताया भरोसा। कांग्रेस नेता आयशा फरीन का विवादित बयान, विधायक राजा सिंह को दी चीरने की धमकी। वीडियो जारी कर आयशा फरहीन ने राजा सिंह की जुबान निकालने की धमकी दी। हैदराबाद में राजा सिंह के समर्थन में कुछ लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया। हैदराबाद विवाद के बाद आज तेलंगाना दौरे पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सेक्टर 96 के पास नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कई फीट गड्ढा, रिपेयरिंग में जुटे अधिकारी। वहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करेगी भारतीय जनता पार्टी, मॉक असेंबली का आयोजन। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी करेगी विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस में शामिल हो सकती है राजस्थान बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा, सीएम गहलोत से लिया आशीर्वाद। भारत के 49वें चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे यूयू ललित, राष्ट्रपति दिलाएंगे शपथ। हरियाणा के यमुनानगर में मिले स्वाइन फ्लू के दो मरीज, 3 साल का की बच्ची और उसकी मां पॉजिटिव। प्रयागराज में बाढ़ का कहर जारी है, करैली के रिहायशी इलाकों में सैलाब का कब्जा। रिहायशी इलाकों में भरा कमर तक पानी, बाहर निकलने में लोगों को हो रही है काफी परेशानी। करैली में गड्ढा कॉलोनी में भर गया, कई फीट तक पानी, घर की छत से बाहर उतरते दिखे लोग। पूरे इलाके के कई घर पानी में समा गए हैं, लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर गए। वहीं प्रयागराज के निचले इलाकों में सैलाब का सितम, राजापुर इलाके में लोगों के घर में तैरता दिखा सामान। यूपी के औरैया में बाढ़ से बेहाल दिखे लोग, एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया है। वहीं औरैया के 25 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है, यमुना किनारे बसे गांवों से पलायन लगातार जारी है। औरैया में बाढ़ से फसलों को नुकसान भी पहुंचा है, सैकड़ों एकड़ जमीन पानी में समाये। वहीं कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी, यूपी में मचा रहा तबाही। हमीरपुर में पानी में डूबा रसोई गैस सिलेंडर का गोदाम, सड़क किनारे रखे दिखे सैकड़ों सिलेंडर्स। यूपी के बांदा में खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना, रास्तों पर भर गया है पानी। उधर बांदा में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में बांटी राहत सामग्री। हमीरपुर में भी यमुना बेतवा का लगातार बढ़ता जा रहा जलस्तर, 70 गांव में बाढ़ का ज्यादा असर। हमीरपुर में आए सैलाब का हवाई सर्वे हुआ, ड्रोन फुटेज में हर तरफ पानी ही पानी। बाढ़ प्रभावित लोगों ने हाईवे किनारे और राहत केंद्रों में शरण ली है, प्रशासन पहुंचा रहा है राहत सामग्री। जबकि औरैया में बाढ़ में फंसे बुजुर्ग का रेस्क्यू, राहत टीम ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं प्रयागराज में रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भरने के बाद लोगों के घरों पर बोट से पहुंचाया जा रहा है जरूरी सामान। बाढ़ के बाद टापू की तरह दिख रहे इलाके, घरों के आसपास भरा है कई फीट तक पानी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में उफान पर नदियां, सैदपुर सदर मोहम्मदाबाद जमानिया और सेवराई तहसील के सैकड़ों गांव में पानी घुस चुका है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ पर अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, कई जिलों में सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है। एमपी के बुरैना में सैलाब के बीच फंसे 15 लोगों का एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने किया रेस्क्यू। इटावा में बाढ़ का दिख रहा है खौफ, मंदिर घाट खेत खलिहान और शमशान सब डूबे। एमपी के राजगढ़ में प्रीतम गौशाला संचालकों की लापरवाही सामने आई है, बाढ़ में बही गौशाला की कई गायें। बाढ़ में बही गाय के शव पेड़ों पर लटके हुए मिले, गौशाला संचालक सहित 3 लोगों पर मामला दर्ज है, 2 गिरफ्तार 1 फरार है।
एमपी के सिंगरौली में बारिश का कहर है, बाढ़ में फंसे कई परिवार, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया है। वहीं राजस्थान के धौलपुर में बाढ़ में फंसे चार लोगों का सेना के हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू किया, जबकि चंबल के रौद्र रूप को शांत करने के लिए ग्रामीणों ने की पूजा अर्चना, 120 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी का दिख रहा है रौद्र रूप, खतरे के निशान से 14 मीटर ऊपर बह रही है चंबल, जबकि धौलपुर के 80 से ज्यादा गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है, कई रूटों पर पानी की वजह से बंद है आवाजाही। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले, प्रशासन ने लोगों को नदियों से दूरी बनाए रखने की अपील की। उदयपुर के गुडापुलिया इलाके में एक दंपत्ति बाइक सहित पुलिया में बह गए, सैलाब को पार करने की कोशिश कर रहे थे। एमपी के शिवपुर में चंबल और पार्वती नदी में उफान, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। अहमदाबाद में साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ गया, लगातार बारिश के बाद उफान पड़ गया। वाराणसी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया, प्रधानमंत्री मोदी ने कल कमिश्नर से ली थी जानकारी। केरल के कोट्टायम में लगातार बारिश के बाद शहर में जलजमाव, येलो अलर्ट जारी। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में नई पार्टी बनाने का ऐलान किया, समर्थकों से कहा जनता के बीच जाइए, हम जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा भारत जोड़ो यात्रा से पहले आजाद का इस्तीफा हैरान करने वाला। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने आजाद के इस्तीफे पर हैरानी जताई है, कहा कांग्रेस में उन्हें सब कुछ मिला फिर भी क्यों दिया इस्तीफा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान, कांग्रेस में खून के आंसू रोने के बाद गुलाम नबी आजाद इस्तीफे को हुए मजबूर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी गुलाम नबी आजाद से इस्तीफे पर उठाया सवाल। वहीं केजरीवाल का बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप, कहा देश में अब तक 277 विधायक खरीदे, लेकिन दिल्ली में ऑपरेशन लोटस बना ऑपरेशन कीचड़। केजरीवाल ने एक बार फिर मनीष सिसोदिया की तारीफों के बांधे पुल, सभी राज्यों के शिक्षा मित्रों से बताया बेहतर। केजरीवाल का आरोप, सिसोदिया को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि आप गुजरात में चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर पलटवार, कहा स्वराज की बात करने वाले भ्रष्टाचार में कंठ तक डूबे हैं। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के स्कूल्स में एक्स्ट्रा क्लासरूम के निर्माण पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है, विजिलेंस कमिश्नर ने भी जांच में धांधली का जिक्र किया है। दिल्ली के मायापुरी में दिन दहाड़े दो बच्चे किडनैप हो गए, पुलिस ने कुछ घंटे में उनको बरामद कर लिया। दिल्ली के नेपसराय इलाके में गैंग वॉर, बदमाशों के दो गुटों में फायरिंग से दहशत, गोलीबारी में एक बदमाश की मौत, दूसरा जख्मी, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। गाजियाबाद के लोनी में पति की हत्या करने वाली पत्नी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में शराबी बेटे ने मां की हत्या कर दी, शराब पीने के लिए मांग रहा था पैसे। सुराली फोगाट की मौत बनी मिस्ट्री, मौत से पहले सीसीटीवी में कैद हुई लड़खड़ाती तस्वीर, गोवा पुलिस का दावा आरोपियों ने कुछ पिलाने की बात को बोले। सोनाली फोगाट की मौत के केस में बड़ा खुलासा, गोवा पुलिस के मुताबिक सोनाली फोगाट को कुछ ऐसा दिया गया था जिससे उनकी सेहत बिगड़ी थी। पुलिस के मुताबिक देर रात सुखविंदर, सुधीर और सोनाली फोगाट को पार्टी करते देखा गया था, सीसीटीवी का जिक्र किया। पुलिस ने सोनाली के सहयोगी सुखविंदर वासी और सुधीर सांगवान को गिरफ्तार कर लिया है, हत्या का केस दर्ज हो चुका है। हिसार में किया गया सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार, परिजनों ने दोषियों पर जल्द एक्शन लेने की मांग की। यूपी के गोंडा में तेज रफ्तार डीसी पलट गई, 9 महिलाओं समेत 35 लोग जख्मी हो गए। गंभीर तौर पर जख्मी एक शख्स ने लखनऊ रेफर किया गया, दाह संस्कार से लौट रहे थे सभी लोग। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने नाकाम की घुसपैठ की बड़ी साजिश, 3 घुसपैठिए ढेर। संगरूर में भगवंत मान के घर धरना दे रहे लोगों को पुलिस ने जबरन उठाया, प्रदर्शनकारियों को संगरूर से 70 किलोमीटर दूर छोड़ा, दोबारा नहीं आने की चेतावनी।
संगरूर में भगवान मान के घर के आसपास धारा 144 लागू, धरना प्रदर्शन पर रोक। गाजियाबाद की राजनगर सोसाइटी का सीएम योगी ने निरीक्षण किया। यूपी सीएम ने सोसाइटी में अपनी बहन से भी मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने बच्चों संग तस्वीर खिंचवाई। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, 8 साल से अवैध तरीके से रह रही थी। मुरादाबाद में बंदर का वीडियो वायरल हो गया, खाली बोतल और केन से कर रहा पीने की कोशिश। समस्तीपुर में 31 किलो गांजे के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, अवैध हथियार और कारतूस जब्त। जबकि कोच्चि पुलिस ने एटीएम से चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटा में वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन, 180 किलोमीटर स्पीड से दौड़ी ये ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रायल रन का वीडियो शेयर किया है। वही करौली के बाद प्रभावित इलाकों का सीएम अशोक गहलोत ने निरीक्षण किया है, पीड़ितों से मुलाकात की। यूपी के एटा में जवाहर पावर प्लांट की चिमनी से गिरकर मजदूर की मौत हो गई, साथ ही मजदूरों ने हंगामा किया। एशिया कप मुकाबले से पहले नेट प्रैक्टिस करते हुए दिखे भारतीय टीम, जमकर बहाया पसीना। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने भी दुबई में प्रैक्टिस की, बाबर आजम की अगुवाई में अभ्यास। दुबई में आईसीसी एकेडमी में रोहित शर्मा ने फैंस का जीता दिल, पास जाकर मुलाकात की। एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला कल, गेंदबाज मोहम्मद वसीम और शाहीन अफरीदी टीम से बाहर। भारतीय फुटबॉल संघ से फीफा ने हटाया प्रतिबंध, इसी साल अक्टूबर में होगा अंडर 17 फुटबॉल का महिला वर्ल्ड कप।